हाँ फ्रेंड्स, साइट में स्क्रीन की तरफ अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मेरे मोबाइल में टिकटॉक वीडियो की वॉलपेपर दे रखा हूँ मैं। वहाँ पर देखिए, मेरे मोबाइल में जो वॉलपेपर है वो टिकटॉक वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि टिकटॉक वीडियो को कोई भी मोबाइल में वॉलपेपर कैसे बनाते हैं। बिल्कुल ही ईजी है, आप भी बना पाएंगे। तो इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो ही आप बना पाएंगे। तो इस वीडियो में सब कुछ बताऊँगा कैसे टिकटॉक वीडियो वॉलपेपर बनाना है। तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखना। वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है शमसुल आलम और आप देख रहे हैं टेक्निकल आलम यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको जाना होगा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, और वहाँ पर जाके आपको प्ले स्टोर में सर्च करना होगा टिकटॉक वॉल पिक्चर या फिर टिकटॉक वॉल पेपर। ये लिख कर अगर आप सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे थे ये सॉफ्टवेयर आपके सामने आ जाएगा और इसे आपको डाउनलोड करना है। तो अभी चलिए स्क्रीन में, और स्क्रीन में जाके मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि कैसे आपको बनाना है वॉल पेपर कोई भी टिकटॉक वीडियो को। उसके बाद आपको जाना है टिकटॉक में, टिकटॉक सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपको जो भी कोई वीडियो पसंद आते हैं, मान लीजिए ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो आपको इसे वॉलपेपर बनाने का जो प्रोसेस है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए शेयर का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको जस्ट क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा राइट साइड में लेना है और यहाँ पर लिखा लिखा हुआ है लाइव फोटो, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग होगा, जब 100% जब हो जाएगा तो उसके बाद ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है अप्लाई का ऑप्शन, तो आपको अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना। उसके बाद आपको सेट टू डेस्कटॉप पर क्लिक करना। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको मैं बैक करके दिखा देता हूँ, मेरा जो वॉलपेपर है इस मोबाइल का, ये जो वीडियो था वो मेरा वॉलपेपर बन गया है। तो इस तरह करके आप भी आपके मोबाइल में टिकटॉक वीडियो को वॉलपेपर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह करके आप कोई भी टिकटॉक वीडियो को अपने मोबाइल के वॉलपेपर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि जो भी कुछ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश किया था, सभी कुछ मैं आप लोगों को सही सलामत समझा पाया। फिर से कुछ कन्फ्यूजन है या फिर कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और इस चैनल पर अगर आप नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। स्वाद के लिए इतना मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जाते जाते सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना।